हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार, आज की वीडियो होने वाली है अबाउट द न्यू फोन जो कि है हमारे पास, वो है आईकू नियो 6। तो यार, ये फ़ोन अभी रिसेंटली कल ये डिलीवर हुआ है मेरे पास, और मैंने थोड़ा बहुत टेस्टिंग इसके फ़ोन की कर ली है, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो बेसिक फर्स्ट इंप्रेशन टाइप वाली वीडियो मैं बना सकता हूँ आज आपके साथ, और बेसिक रिव्यू दे सकता हूँ कि आपको लेना कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके पास और ऑप्शंस क्या है मार्केट में अवेलेबल जो आप कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक स्पेक्स बता देता हूँ। 6.62 इंच की स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट आपको उसके अंदर फ़ोन के अंदर मिल रहा है। 870 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। यार, जो अभी प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर, वो हैं एक तो 888 वाला, 888 प्लस, 8 Gen 1, और ये जो 870 है, इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर है। तो मुझे लगता है कि यार डेफिनेटली ये चीज़ में ये फ़ोन काफ़ी ठीक रहने वाला है, क्योंकि यार जो 8 Gen 1 और जो 888 वाला प्रोसेसर है ना, ये सारे बहुत ओवरहीटिंग के शिकार हैं, और थोड़ा बच के रहना इन सब प्रोसेसर से आप, क्योंकि यार ये ना बहुत थ्रॉटल कर रहे हैं, तो इस वजह से दिक्कतें हैं। और 870 में ना ये दिक्कत नहीं है, जो ये थ्रॉटल नहीं करता यार, इसका मतलब जो कंसिस्टेंसी है ना, मुझे लगता है यार ये एक बहुत बड़ा बढ़िया प्रोसेसर है, और जो ये प्राइस पॉइंट में आया है मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है। 26,000 का मिल जाएगा आपको आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स मिला मिलू के, तो जो 26,000 रुपये में आपको मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी डिसेंट है। प्लस 80 वॉट्स की चार्जिंग और 4700 mAh की बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा सकते थे, बट ठीक है यार, 4700 mAh कोई दिक्कत नहीं। अगर 80 वॉट्स है तो 80 वॉट्स भाई बहुत ज़्यादा होता है लिटरली। दिस इज़ अ सब्सक्रिप्शन रिमाइंडर, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस, अगर मैं आपको बताऊँ तो यार गेमिंग में ये फ़ोन, मैंने जितनी थोड़ी बहुत गेमिंग करके देखी है, मुझे लगा कि कोई भी ऐसी मुझे दिक्कत नहीं रही गेमिंग में, और कोई लैग कोई जिटर फील नहीं हुआ। बट डेफिनेटली अभी इसके अंदर 90 FPS नहीं है, बट रिसेंटली BGMI के साथ अभी टूर्नामेंट जो ये स्पॉन्सर कर रहे हैं आईकू नियो 6 वाले, तो मतलब बहुत जल्द 90 FPS आने वाला है। आपको पता ही है एंड्रॉयड में हमेशा कोलैबोरेशंस के बाद ही आता है, तो ये कोलैबोरेशन अब स्टार्ट हो गई है, और तो मेरे को लगता है यार बहुत जल्दी ये आने वाला है 90 FPS। जो अगर आपका एम ये है कि आपको एक 90 FPS वाला फ़ोन चाहिए BGMI खेलने के लिए, तो मुझे लगता है ये आपके लिए बेस्ट टारगेटेड फ़ोन है, क्योंकि अंडर 30,000 मिल रहा है, मतलब आप अंडर 30 क्या बोलो, 25,000 के आसपास का मिल रहा है, और आपको 90 FPS मिल रहा है, प्लस 870 स्नैपड्रैगन, विच इज़ अ वेरी वेरी स्टेबल प्रोसेसर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया डील होने वाली है। इसके अलावा यार कैमरा का, मैंने थोड़ा बहुत बेसिक कैमरा टेस्टिंग इसकी करी थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जो ये लो लाइट परफॉर्मेंस फोटोज़ की है ना, इसकी काफ़ी अच्छी है, और जो इस पर्टिकुलर बजट जो सेगमेंट है ना मिड रेंज वाली, इसमें ये आपको बहुत बढ़िया पिक्चर्स देता है, और आपकी फ़ोटो जो खींचने का एक्सपीरियंस होना वो बहुत बढ़िया है। डे लाइट में डेफिनेटली ऑब्वियसली बहुत बेटर है, प्लस बट जो ये लो लाइट है ना, उसमें भी काफ़ी डिसेंट आपको एक्सपीरियंस दे देता है, और एटलीस्ट आप अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग मैं बोलूँगा ये काफ़ी एवरेज है, क्योंकि यार देखो वीडियो रिकॉर्डिंग में ना, मेरे को ऑनेस्टली बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ऐसा लगता है यार ये ना जो एप्पल की कंसिस्टेंसी है ना वीडियो रिकॉर्डिंग में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फ़ोटो की बात नहीं कर रहा मैं, फ़ोटो में बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बट जो वीडियो की कंसिस्टेंसी है ना, वो मैंने थोड़ा देखा है कि यार आईफोन्स में ज़्यादा होती है। तो मैंने ना उसको थोड़ा कंपैरिजन किया था SE से, मतलब आप सोच रहे हो कि मजाक कर रहे हैं भाई SE के साथ कंपैरिजन करके, बट यार ना फोटोज़ में डेफिनेटली वो अच्छा आ रहा था, बट वीडियोज़ में ना, मतलब उसमें ना ग्रेन्स आती है अगर आप लो लाइट में आते हो, हल्की सी भी या इंडोर लाइटिंग में आते हो, बट जो SE है ना उसमें ग्रेन्स आती है। डेफिनेटली मैंने 13 प्रो के साथ भी देखा था, तो बट दैट इज़ अ पॉइंटलेस कंपैरिजन, क्योंकि वो बहुत महंगा है, बट ये फ़ोन इसके 7वें रेंज में आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग एक पर्पस है ना, तो आपके लिए मुझे लगता है उतना सुपर्ब नहीं है वो फ़ोन, और मुझे लगता है कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन उस रेंज में ऐसा कोई नहीं है जो आपको इस लेवल की क्वालिटी दे सकता है, जो आपको आईफोन को कम्पीट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। फोटोग्राफी में बहुत बढ़िया है भाई, मतलब मेरे को लगता है कि फोटोग्राफी में आपको अच्छी लो लाइट वाली फोटोग्राफी चाहिए होगी ना, तो वो आपको कैप्चर करके दे सकता है, बट वीडियो तो नहीं दे सकता। तो मुझे ये लगता है कि यार ये जो इस फ़ोन का ओवरऑल जो सेगमेंट है ना 25-26,000 में, ये आपको बहुत बढ़िया प्राइस देता है। प्लस जो इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो ठीक है, पीछे वो प्लास्टिक है, बट जो क्वालिटी दिखने की लुक्स वाइज है ना, वो थोड़ी सी मतलब ठीक है, मतलब यार वो डिपेंड करता है, मेरे को तो कई कई मतलब थोड़ा सा क्या बोलूँ, मतलब अलग सा ही लगी है लुक तो मैं, अब वो डिपेंड करता है आपको अच्छी लगेगी तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, तो लुक वाइज तो आपको खुद ही जज करना पड़ेगा, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि वो प्लास्टिक है। इसके अलावा इंफ्रारेड ब्लास्टर भी है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग,
मिल रहा ऑप्शन तो क्यों नहीं भाई, बढ़िया यार, टीवी चल सकता है, एसी चल सकता है, तो रिमोट वोट हमको मैसेज कर देते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसमें ऑटोमेटिकली। तो ओवरऑल ये एक डिसेंट पैकेज फ़ोन आता है 25-26 हज़ार में। इसके अलावा मेरे हिसाब से मैं जो रिकमेंड करता हूँ ना इस रेंज में, एक फ़ोन और है, वो है पोको F3 GT, जो मैंने रिसेंटली मतलब 8-9 महीने काफ़ी यूज़ किया है। बढ़िया एयर ट्रिगर्स हैं, अच्छे हैं, मीडियाटेक 1200 का प्रोसेसर है उसके अंदर, तो वो एक अच्छा फ़ोन हो जाता है। बट अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया और जो अभी लेटेस्ट फ़ोन आया है प्लस 90 FPS की है, वो पोको F3 GT में नहीं है, मतलब ये एक बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट है। वो एक गेमिंग फ़ोन है, उसके अंदर एयर ट्रिगर है बट उसमें 90 FPS नहीं है, इसके अंदर 90 FPS आने वाला है, जबकि ये मतलब ऐसा कुछ एयर ट्रिगर वगैरह चीज़ दे नहीं रहा। तो मतलब ये हिट और मिस है यार, आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा आपको कौन सा ज़्यादा आपको लगता है कि ये बेटर है आपके लिए और ज़्यादा बढ़िया। और थोड़ी सी चीज़ और मुझे लगता है कि यार पोको F3 GT ना एक प्रीमियम बिल्ड फ़ोन है, बट कैमरा वाइज अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा आईक्यू आगे चला जाता है। तो ये दोनों ना एक मिक्स बकेट फ़ोन है, मैं आपको बोलूँगा, आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको कैमरा डिसेंट चाहिए, गेमिंग में 90 FPS चाहिए, तो आप आईक्यू के पास जाएँ, अदरवाइज़ आप F3 GT जा सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम बिल्ड चाहिए या फैंसी लाइटिंग पीछे जो आती है उसके अंदर वो चाहिए, तो आप सोच सकते हैं F3 GT का, नहीं तो मैं बोलूँगा आईक्यू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मतलब आईक्यू नियो 6 इज़ अ गुड ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि यार सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन, और इससे ही मैं ऐसी ऐसी वीडियो आपके पास लाता रहूँगा, कॉन्टेंट लाता रहूँगा, और ये सब डिवाइसेस को खरीदने का जो एक मोटिवेशन है ना वो आती रहेगी अगर आप मेरे को सब्सक्रिप्शन देते रहोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।